हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे और चने की दाल की कचौड़ी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत इजी से बन जाता है। तो मैं इसको बनाने के लिए पहले कुकर को गैस पे रख ली हूँ, गैस चला दी हूँ। फिर उसमें हमने तेल डाला और फिर हम हींग डाल दिए हैं। फिर हम उसमें 1 चम्मच जीरा और 4 कली लहसुन और थोड़े से एक टुकड़े दालचीनी और 2 लाल मिर्च डाल के, और उसमें हमने चने के दाल डाल दिए हैं, और फिर इसमें हम मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, और फिर इसको हम चला लेंगे। और फिर थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। दोस्तों, हमने चना का दाल 2 घंटा पहले से ही भिगो कर रख लिया था। अब इसमें हम ढक्कन लगा लेंगे और इसमें 1 सीटी आने तक वेट करेंगे। और 1 कप गेहूं का आटा और उसमें थोड़ी सी अजवाइन और नमक थोड़ा सा और 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर उसको मिला लिया है। फिर हम इसे एक डो बना लिए हैं। इधर मेरा दाल हो गई है, ये मेरा पक चुका है दाल। अब इसको हम सिलबट्टा पे पीसेंगे। दोस्तों, इसको सिलबट्टा पे इसलिए पीस रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मिक्सी में इतना अच्छे से नहीं पिस जाता है जितना इसमें जिससे पिस जाता है, इसीलिए हमने सिलबट्टा का यूज किया है। आप मिक्सी में भी पीस सकते हो। इसे सारा हमने पीस के और कटोरी में रख लिया है। अब इधर हम आटे को छोटी छोटी लोई काट लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से इस तरह से हम चकई बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से गोल करके और चकई बना लेंगे। हमने सारी चकई बना ली है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ी सी और हाथ से बड़ी करेंगे, और जो ये चने दाल है हम इसी में इस तरह से इसको भरेंगे। इसको इसी तरह से इसमें हम भर लेंगे। हम इसे इस तरह से दबा देंगे, थोड़ी सी चिपटी कर लेंगे कचौड़ी जैसी हमने कर लिया है। इसी तरह से हम सारे एक एक करके बना के भर के तैयार कर लेंगे। गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें डाल देंगे
रिफाइंड ऑयल, गरम हो गया है तेल मेरा। अब इसमें हम डालेंगे कचौड़ी, इसे धीमी आंच में ही बनाना है, ज़्यादा तेज आंच कर देंगे ना तो ये फिर उतना स्वादिष्ट मतलब अच्छे से नहीं बनेगी, इसीलिए धीमी आंच में बनाएंगे ना तो सही से ये पक जाएगी। देखो दोस्तों ये फूले फूले जैसी बन गई है। एक और हम बना के दिखा रहे हैं इस तरह से। दोस्तों ये बात आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज। इस तरह से हम एक एक करके सारे सेक लिए हैं, निकाल लिए हैं, तल लिए हैं और इसे हम चटनी, टमाटर चटनी है और मूंगफली की चटनी है इसी के साथ सर्व करेंगे। हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।